दोस्तों अब चाट घर पे बना के खा सकते हैं, बाज़ार जाना करें बंद, और घर पे कैसे बनाएं तो आइए देख शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते फ्रेंड, चाट बनाने के लिए कुछ आलू ले लेंगे उबले हुए, उनको छिक्कर निकाल देंगे, अब इसको आलू को करेंगे मैश। सभी आलू कर लेंगे मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक ढक्कन चावल का आटा, क्योंकि चावल के आटे से दोस्तों आलू की चाट जो होती है बहुत कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है। तो हमने इसमें मिक्स कर ली है, अब अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इसको। अब टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे रिफाइंड, जैसे आटे की लोई बनती है फ्रेंड, तो वैसे ही इसको भी आकार देंगे वैसे ही। ऐसे ही सब बना लेंगे फ्रेंड। हमारी सब बन गई हैं, ये देखिए फ्रेंड। अब आलू की टिक्की बनाने के लिए थोड़ा डालेंगे रिफाइंड तवे पर और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और चारों तरफ से इसको टिक्कियां फैला देंगे। अब तवे में सिकेंगे अच्छी तरह से। सीख रही हैं, धीरे धीरे सीखती हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे सीखती है। लो फ्लेम में ही सीखेगी कुरकुरी। पलट लेंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों सीख गई है, बढ़िया सीखी है एकदम लपालप। अब इसको सजा लेंगे, थोड़ा डालेंगे प्याज कटा हुआ, थोड़ी डालेंगे हरी मिर्च, सादा नमक डालेंगे, लाल मिर्च डाल दी, काला नमक डाल दिया, ये फ्रेंड डाल दी है चटनी, चटनी में हरी धनिया और मिर्च और अमचूर का पाउडर डाल दिया, इसमें टमाटर डाल दिए, थोड़ा दही डाल देंगे। अब फ्रेंड एकदम लाजवाब बनी है आलू की टिक्की। आप लोग भी घर पे इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।